नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बसेरा आप सभी का संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने चला अप्रैल और आज है 10 अप्रैल 2019। तो हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग, SSC, LIC, रेलवे, UPSC, NDA, CDS, FCAT, स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम या पैरामिलिट्री एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज की मोटिवेशनल कोट के साथ। तो अपनी वैल्यू को सोने की सिक्के की तरह बनाओ ताकि जो जमीन पर तो नाली पे भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम ना हो। तो दोस्तों, हमें इतना अच्छे प्रयास करने हैं या कोशिश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक सोने के प्रकार, जैसे सोना अगर जमीन पे गिरा है, किसी को मिलता है तो उठा ही लेगा, चाहे वो नाली पे गिरा है तब भी लोग उठा लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है कि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ठीक, आपको भी लगातार कोशिश करते रहनी है और आप जैसे जैसे कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, वैसे वैसे ही आपकी वैल्यू भी बढ़ते रहती है और एक दिन आपकी वैल्यू सोने की तरह जरूर होगी। दोस्तों, तो लगातार कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश करने वालों को सफलता जरूर मिलती है और संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस आपके साथ हर कदम पर डट के खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो भारत और श्रीलंका के बीच सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। इसमें जो क्षेत्र हैं, जो मुख्य क्षेत्र हैं, वह है सुरक्षा, ड्रग्स और मानव तस्करी को नियंत्रित करना। तो इन सभी क्षेत्रों में भारत और श्रीलंका आपसी सहयोग करेंगे और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टी। लंदन दुनिया का पहला शहर बना जो 24/7 आवर के लिए अल्ट्रा लो इमिशन जोन लागू करेगा। तो अल्ट्रा लो इमिशन जोन लागू करने वाला लंदन दुनिया का पहला शहर बना। अब अल्ट्रा लो इमिशन जोन के तहत कार्बन इमिशन या कार्बन उत्सर्जन को मानकों को और भी कठोर किया गया है। तो ये पर्यावरण के लिए लंदन के द्वारा ली गई एक अच्छी पहल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का 17वां संस्करण डेट सी जॉर्डन में आयोजित किया गया। जॉर्डन वही देश है जिसकी जो इसराइल का पड़ोसी देश है और डेट सी भी जॉर्डन और इसराइल के बीच में स्थित है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का 17वां एडिशन जॉर्डन में आयोजित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड और चेयरमैन है क्लासू स्क्वायर। RBI ने बैंक को न्यू करेंसी चेस के लिए नई गाइडलाइन दी है या RBI ने न्यू करेंसी चेस के लिए बैंकों को एक गाइडलाइन में चेंजेस किए हैं। तो इसके अनुसार बैंक को लगभग 150 स्क्वायर फीट का एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाना पड़ेगा और डेली पर डे बैंक नोट की कैपेसिटी को 6.6 लाख पीसेस तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये नई गाइडलाइन आई है RBI की और RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, HDFC बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब बैंक ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और HDFC बैंक लास्टिंग स्टार्टअप को लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे या जागरूकता फैलाएंगे। तो जो भी लिस्टिंग कंपनीज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उनको और नई कंपनीज हैं जो उनको ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिल सके, इसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और HDFC ने साझेदारी की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि स्थापित हुआ था 9 जुलाई 1875 को, हेडक्वार्टर है मुंबई और इनके चेयरमैन है S. रवि और HDFC बैंक जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई और इनके CEO हैं आदित्य पुरी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हरियाणा में सोनीपत जिले में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यमुना बाढ़ के कथित कटाव की जांच के लिए एक कमेटी की स्थापना की है। तो यमुना में
बाढ़ के कथित कटाव की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके अध्यक्षता करेंगे आदर्श कुमार गोयल, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, और इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की 2010 में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2019 और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेशन अचीवमेंट एरिया 2019 में इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज को रैंक प्रदान की गई है, और यह आयोजन किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और ओवरऑल कैटेगरी में जो पहला कॉलेज है वो है IIT मद्रास, और टॉप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आया है ISC बेंगलोर, सेकंड में है JNU न्यू दिल्ली। और जो इस रैंकिंग के NIRF रैंक्स की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2016 में, और यह इसका चौथा संस्करण है। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना। इस वर्ष 2018 में भारत को लगभग $79 बिलियन का रिमिटेंस मिला, तो आप याद रख सकते हैं ग्लोबली सबसे ज़्यादा रिमिटेंस जिस देश को प्राप्त होता है वो है भारत, सेकंड पे चाइना था, और इस रिपोर्ट को पेश किया वर्ल्ड बैंक ने। भारत का फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट था 2018-19 के लिए 3.4 GDP का 3.4%, इसको हासिल किया गया, तो अब हमारा फिस्कल डेफिसिट जो हो गया है वो है GDP का 3.4%। फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब हम खर्चे अपने उपभोग जो हमारे इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्चे कर देते हैं, तो ये सब फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जो ये फ्री अलाउंसेज होते हैं या जो ये लोन वेवर्स स्कीम्स होती हैं इनके तहत ये फिस्कल डेफिसिट का घाटा बढ़ते जाता है, तो जो सरकार की कोशिश रहती है कि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम किया जाए, तो जितना कम फिस्कल डेफिसिट होगा उस देश का उतना ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.4% पे पहुँचा है। PTC इंडिया फाइनेंस सर्विसेज और US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस ने सौर परियोजनाओं के लिए धन प्रोवाइड कराने के लिए एक भागीदारी की है, तो PTC इंडिया फाइनेंस सर्विसेज और US क्लीन इंडिया एनर्जी फाइनेंस सौर परियोजनाओं के लिए धन का योगदान देंगे, तो इसके लिए इन दोनों कंपनीज में साझेदारी की गई है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजमेंट इंडिया अवार्ड 2019 की घोषणा हुई, तो इसमें लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को, आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डर का अवार्ड मिला प्रताप सी रेड्डी को, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन है। कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड मिला देवी प्रसाद सेठी को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला बजाज फिनसर्व लिमिटेड के MD संजीव बजाज को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर बने संजीव मेहता। लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू मीडिया ये मिला महेंद्र मोहन गुप्ता को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया यह अवार्ड मिला उदय शंकर को। इंडिया MNC ऑफ द ईयर अवार्ड मिला पवन गोयंका का, और MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड मिला टी कृष्ण कुमार को। आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर अवार्ड मिला संजीव सिंह को। डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया राजकुमार ईरानी, जिन्होंने अभी हाथ में ही फिल्म बनाई थी संजू, तो इन अवार्ड्स को आप याद रखिएगा, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विक्रमजीत सिंह साहनी जो कि सन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन हैं, उन्हें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच ग्राहम रेड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच होंगे ग्राहम रेड। IIT मद्रास ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक सहयोग किया है, तो यह संस्था भारत की पहली कोल्ड स्प्रे स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। और स्मार्ट का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिटिव रिसर्च टेक्नोलॉजी, तो यह इस प्रकार की पहली प्रयोगशाला है भारत की, और यह बनेगी IIT मद्रास में, और इसे बनाएगी जनरल इलेक्ट्रिक जो कि US बेस्ड कंपनी है। ड्रीम इलेवन भारत की पहली $1 बिलियन गेमिंग स्टार्टअप बना, तो ड्रीम इलेवन जो कि अभी के टाइम पर बहुत ही चर्चित है IPL की वजह से, उसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, तो ड्रीम इलेवन भारत की पहली $1 बिलियन गेमिंग स्टार्टअप कंपनी बनी,
डेविड बटिस्टा, आपने नाम सुना ही होगा, बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट की घोषणा की है इन्होंने पहले आज। तो जो पुराने रेसलर देखते होंगे 90s या 2000 के टाइम पे, उस टाइम बटिस्टा बहुत ही फेमस थे, तो इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट की घोषणा की है। स्पेन की गैबिन मुगुरुजा ने मॉन्टेरी ओपन टाइटल अपने नाम किया। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, मॉन्टेरी ओपन टाइटल, तो इसे जीता है गैब्रिना मुगुरुजा ने। जेम्स बॉन्ड मूवी में काम कर चुकी सर्बियन एक्ट्रेस नाडजा रिजिन का 87 ईयर में निधन हो गया। तो नाडजा रिजिन जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, इनका निधन हो गया। और कन्नड़ राइटर बी ए सांदी अब नहीं रहे, तो कन्नड़ राइटर बी ए सांदी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 75 वेल्लोर डे प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह सीआरपीएफ का कॉमरेडिशन डे होता है, और इस साल सीआरपीएफ ने इसको समर्पित किया अपने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को। तो और इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी मौजूद थे। तो 54th वेल्लोर डे मनाया गया 9 अप्रैल को। और एक और इम्पोर्टेंट डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह है डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द रवांडा जिनोसाइड। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा रवांडा नरसंहार के पीड़ितों के स्मरण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को इस जिनोसाइड डे को मनाया जाता है। तो यह जिनोसाइड हुआ था 1994 में, जब हुतु कम्युनिटी का लगभग 800,000 पर्सन के ऊपर नरसंहार किया गया था वहाँ की आर्मी मिलिटेंट्स और सिविलियंस के द्वारा। तो याद रखिएगा हुतु कम्युनिटी जुड़ी हुई है रवांडा से, और ये बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है। लगभग 800,000 लोगों को मार दिया गया था या स्लॉटर उनको काट दिया गया था। तो दुनिया के इतिहास में ये ब्लैक डे, और ये लगभग 100 दिनों तक चला था। 1994 में जिनोसाइड, ये नरसंहार हुआ था रवांडा में जो कि सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। तो प्रतिवर्ष रवांडा जिनोसाइड डे के उनकी याद में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।